हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आरडी डिजाइन में। मैं हूं सरिता चौधरी और आज हम बात करेंगे एक 2 BHK हाउस प्लान की। इस हाउस प्लान का प्लॉट साइज है 35 फीट बाई 40 फीट और ये अपना ग्राउंड फ्लोर प्लान है वेस्ट फेस। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं पहले इसका एक्सटर्नल डायमेंशन। तो इस ग्राउंड फ्लोर प्लान का वेस्ट साइड का एक्सटर्नल डायमेंशन है अपना 35 फीट और नॉर्थ साइड का अपना डायमेंशन है 40 फीट। इस हाउस प्लान में मैंने 2 बेडरूम, 1 किचन, स्टेयरकेस, लॉबी, बरामदा और कार पोरच और अपना सेपरेट टॉयलेट बाथ डिज़ाइन किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अपने इस ग्राउंड फ्लोर प्लान को। अगर आप इसको क्लियर नहीं देख पा रहे हो तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले अपन देखते हैं इसका, यहाँ पर मैंने जो ये डायमेंशन दिया है 11 फीट 3 इंची, ये डायमेंशन मैंने पोरच का आउट वॉल टू वॉल डायमेंशन दिया है और यहाँ पर अपना ये मेन गेट है। इसके बाद में यहाँ पर मैंने 8 फीट 9 इंची जो डायमेंशन दिया है ये है अपना बरामदे का इंटरनल डायमेंशन। इसके बाद यहाँ पर जो डायमेंशन दिया है 15 फीट, ये है अपना बेडरूम का आउट वॉल टू वॉल डायमेंशन। इसके बाद में अपन आगे देखते हैं इसमें मेन एंट्रेंस। इसमें मेन एंट्रेंस यहाँ पर सामने जो आप ये डोर देख रहे हैं यहाँ से है ये डोर और यहाँ पर 2 विंडो डिजाइन किए हैं। यहाँ पर ये बरामदा डिजाइन किया है जिसका साइज है 8 फीट 9 इंची बाय 3 फीट 6 इंची और यहाँ पे फ्रंट में एक विंडो दिया है। इसके बाद में अपन सेकंड ऑप्शन देखते हैं मेन एंट्रेंस का, यहाँ पोरस से तो यहाँ पर ये कार पोर्च डिजाइन किया है जिसका जिसका डायमेंशन है 9 फीट 9 इंची बाय 16 फीट और यहाँ पर मैंने ये एक डोर दिया है। यहाँ से अपन आगे इंटर करते हैं और इंटर करते हैं यहाँ पर अपना ये लॉबी है जिसका डायमेंशन है 8 फीट 9 इंची बाय 8 फीट 3 इंची। इसके बाद में अपन आगे इंटर करते हैं हॉल में। तो फ्रेंड्स, हॉल का अपना डायमेंशन है 13 फीट बाय 9 फीट 9 इंची जो कि ओरिजेंटल बाय वर्टिकल है और यहाँ पर ये एक बैठक का ऑप्शन दिया है। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं बेडरूम में। बेडरूम का अपना साइज है 13 फीट 6 इंची बाय 10 फीट और यहाँ पर ये मैंने बेड डिजाइन किया है और सामने एलईडी टीवी का ऑप्शन है और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये मैंने वार्डरोब डिजाइन किया है जिसका विड्थ है 1 फीट 9 इंची और यहाँ पर ये वेस्ट साइड में एक विंडो डिजाइन किया है। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं स्टेयर केस में। तो यहाँ पर मैंने ये स्टेयर केस डिजाइन किया है, यहाँ से अपन अप करते हैं और स्टेयर का अपना इंटरनल डायमेंशन है 7 फीट 6 इंची। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं अपने किचन एरिया में। तो फ्रेंड्स, ये है अपना किचन जिसका साइज है 13 फीट 6 इंची बाय 7 फीट 3 इंची और यहाँ पर ये वर्किंग प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर ये एक वार्डरोब बनाया है जिसका विड्थ है 2 फीट 3 इंची। ये यहाँ पर वार्डरोब बनाया है और इसके बाद में यहाँ पर ये एक डोर देखिए पीछे ओपन एरिया बनाया है जिसका साइज है 14 फीट 3 इंची बाय 4 फीट 9 इंची और किचन में यहाँ पर ये एक विंडो दिया है ईस्ट साइड में। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं मास्टर बेडरूम में। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस प्लान को फ्री में डाउनलोड करना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया है, वहाँ से आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। मास्टर बेडरूम का अपना साइज़ है 14 फीट 6 इंची बाय 10 फीट 3 इंची और यहाँ पर ये एक बेड डिजाइन किया है और नॉर्थ साइड में एक ये विंडो दिया है और एक यहाँ पर ये विंडो दिया है ओपन एरिया में। यहाँ पर मैंने ये वार्डरोब दिया है जिसका विड्थ है 1 फीट 9 इंची, ये वॉल के अंदर सेपरेट बनाया है। फ्रेंड्स, इसके बाद में अपन देखते हैं अपना सेपरेट मैंने जो टॉयलेट बाथ डिज़ाइन किया है। मैंने टॉयलेट बाथ जो आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे मैंने टॉयलेट बाथ डिज़ाइन किया है, ये अपना बाथ जिसका साइज़ है 5 फीट बाई 5 फीट 10.5 इंची और यहाँ पर ये एक वेंटिलेटर दिया है। इसके बाद में अपन देखते हैं ये WC, तो WC का अपना साइज़ है 5 फीट बाई 3 फीट 6 इंची और यहाँ पर ये एक सॉरी यहाँ पर मैंने ये ओपन एरिया दिया है। ओपन एरिया का अपना डायमेंशन है 23 फीट 3 इंची और कार पोर्च का अपना आउट वॉल टू वॉल डायमेंशन है 16 फीट 9 इंची। तो फ्रेंड्स, ये था अपना ग्राउंड फ्लोर प्लान। अगर आपको ये मेरा ग्राउंड फ्लोर प्लान अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।